हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग अपनी सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर ग्रेड टू। यहाँ पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो ओल्ड पेपर्स हैं हमारे, और इससे काफ़ी कुछ मदद मिलेगी आपको जो आपके ग्रेड थ्री और अदर पेपर जो कोई भी आप टेट दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। ओके, सो लेट्स डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पहला सेक्शन उठा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP। ओके, शिक्षा में मूल्यांकन का, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। यस, नाउ इट्स फाइन। शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द असेसमेंट इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण, अब इसमें थोड़ा सा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे, अच्छा ओके एग्जैक्टली, बाल केंद्रित ऊपर दिया हुआ है क्योंकि मैंने इंग्लिश देखा था। तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन जो है उसकी हम यहाँ पर मूल्यांकन को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण ये है, बिकॉज फर्स्ट मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस टूवर्ड देयर गोल्स, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। सेकेंड, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेटिंग गोल्स फॉर देयर लर्निंग एंड ग्रोथ, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। डिटरमाइनिंग हाउ टू एड्रेस एनी गैप्स, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। एंड लर्न कोर कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। पूछ क्या रहा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर असेसमेंट, मतलब ये हमारे पास कारण पूछ रहा है कि सबसे, मतलब कहना चाहिए कमजोर कारण क्या है असेसमेंट के लिए। ओके, शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण, मतलब मूल्यांकन के पक्ष में सबसे लेस महत्वपूर्ण क्या है, इन चारों में से बताइए कि सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड देयर गोल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको देखना है कि उन्होंने लक्ष्य कितने प्राप्त कर लिए हैं, तो ये मूल्यांकन के पीछे जरूरी कारण है। ओके, एक्टिव एंगेजमेंट, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, विकास में लक्ष्य निर्धारित करना। हाँ, तो लक्ष्य निर्धारित करने वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, डिटरमाइनिंग हाउ टू एड्रेस एनी गैप्स एंड लर्न कोर कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स। तो देखिए, यहाँ पर जो कोर कंटेंट नॉलेज और स्किल की बात जो है बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं की जाती है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए संभवतः फोर्थ होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है लर्न कोर कंटेंट नॉलेज एंड स्किल। डिटरमाइनिंग हाउ टू एड्रेस एनी गैप, कहीं ना कहीं मूल्यांकन से गैप भरे जाते हैं। जैसे एक बच्चा है कहीं पर लैग कर रहा है, तो वो क्या है, वो गैप है, तो उसको हम भरने की कोशिश करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला बात करते हैं, हाउ इज एप्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार वितरित है। अभिवृत्ति का वितरण यहाँ पे बोला गया है कि मानव जाति में जो अभिवृत्ति है किस प्रकार वितरित है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, सामान्य वितरण है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्कैटर्ड, अस्त व्यस्त है। स्कैटर्ड मतलब, द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड मतलब वितरण विषम है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीफेरेसली विविधतापूर्ण है, मल्टीफेरेसली मतलब विविधता पूर्ण। तो कैसा है एप्टीट्यूड का वितरण ह्यूमन बींग्स में कैसे हुआ है, तो एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। जो एप्टीट्यूड्स का वितरण हुआ है वो सामान्य है, मतलब कि नॉर्मल होना चाहिए। सो लेट्स चेक द आंसर। एग्जैक्टली, वितरण सामान्य है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज अबाउट व्हाट थिंग्स आर एंड हाउ वी डील विद देम आर कॉल्ड। किसी कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं। मतलब कोई चीज़ क्या है और हम उसके बारे में क्या धारणा बना के चले हैं, इसके इसको हम किसका नाम देंगे। ओके, कोई वस्तु क्या है, बच्चों ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CTET में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। द मेंटल रिप्रेजेंटेशन और आइडियाज अबाउट व्हाट थिंग्स आर, मतलब चीज़ें कैसी हैं एंड हाउ वी डील विट, और हम उसको कैसे लेते हैं, है ना। एक मेंटल सेटअप होता है, देख लो, मानसिक प्रतिरूप, द मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ भी ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो इसमें पहले मैं 4 ऑप्शन बता देता हूँ, हालांकि इसका आंसर आपको सबको पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्या कहलाता है, ये कंस्ट्रक्ट कहलाता है, ये नेटवर्क कहलाता है, ये स्कीमा कहलाता है,
या ये संरचना कहलाता है, तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर स्कीमा होना चाहिए, क्योंकि हम जो मानसिक प्रतिरूप तैयार करते हैं उसको हम स्कीमा कहते हैं। एंड देखिए आंसर बिल्कुल सही, स्कीमा ही करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। इन अ क्लासरूम 15 चिल्ड्रन वेयर यू हैव 15 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, क्या बात है, एक विविधतापूर्ण कक्षा है ये, 15 डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, 15 कक्षों की कक्षा है, आपके पास 15 अलग सीखने वाले बच्चे हैं और 15 अलग अलग एप्टीट्यूड यानी कि अलग अलग पर्सनैलिटी के बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण क्या कहेगा, डेवलपिंग वन लेसन प्लान फॉर वन मोड ऑफ टीचिंग, मतलब डंडा चलाने वाली बात है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक योजना विकसित करना, ठीक ना, एक योजना विकसित करना। भाई मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, ऐसा क्यों करोगे भाई। देख सेकंड, डेवलपिंग ए लेसन प्लान बाय लुकिंग एट वेरी चाइल्ड विद हिज हर नीड्स, क्या है, लुकिंग एट एवरी चाइल्ड, देखो पॉसिबल नहीं है ना, है ना, तो बट जो हमारे पास बाल केंद्रित शिक्षण कहता है, थोड़े से चार ऑप्शन और पढ़ लें, तो डेवलपिंग ए लेसन प्लान बाय लुकिंग एट एवरी चाइल्ड, हर बच्चे की कैपेबिलिटी को देख करके डिसाइड करना कि उसकी क्या जरूरत है ना, उसकी ज़रूरतों को कैटर करना, ओके, एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर हर बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहाँ पर हमारी आती है बाल केंद्रित शिक्षा। थर्ड, डेवलपिंग ए लेसन प्लान टारगेटिंग द मिडिल ऑफ द क्लास एबिलिटी वाइज, कक्षा की क्षमता के मध्य में लक्षित करते हुए, मतलब कुछ लोग होशियार हैं, कुछ लोग थोड़े स्लो लर्नर हैं, तो टीचर ने एवरेज वाला काम चुन लिया, देखते हैं क्या हो सकता है। डब्लकी में लेसन प्लान दैट फिट्स ऑल, नहीं देखो भाई सबके लिए उपयुक्त लेसन प्लान एक ही टाइम में करना तो पॉसिबल नहीं है, ओके, बट इन सभी में जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो है एवरी चाइल्ड, हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, हर बच्चा इंपॉर्टेंट किस में होता है, इसको हम बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, एग्जैक्टली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ओके। सो डेवलपिंग अ लेसन प्लान बाय लुकिंग एवरी चाइल्ड एंड व्हाट हिज और यू कैन से हर नीड्स इज, एग्जैक्टली, तो इसका आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द थ्योरिस्ट रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ओके, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं, फेडरिक फ्रोबेल नहीं है, जीन पियाजे नहीं है, ग्राहम गिब्स भी नहीं है, जॉन डुई, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के विद्यालय खोले हैं, है ना, और इन्होंने पहला कुछ ऐसा लाइब्रेरी टाइप का बनाया था, जॉन डुई कहते हैं इनको, मैंने जॉन डेवी पढ़ा था, तो जॉन डुई जो है प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहलाते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पुरोधा कह लो, फादर कह लो, जो भी कह लो, है ना। चलिए पियाजे है भाई, हिंदी में पियाजे है, पियाजे ने नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज, क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया, स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्र भाव, आत्मसातकरण, ओके, तो पियाजे ने क्या नाम दिया था किसको, पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज को। देखिए मैंने अभी आपको बताया स्कीमाज क्या होता है, एक मेंटल फ्रेम, चीज़ें जैसी हैं और आप जैसे उनको ले रहे हैं, समझ गए ना, उसको, उस मेंटल फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा, मतलब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए बट आप उसको कैसे समझ रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई बच्चा है, आपने वो मान लो उसके सामने अनार रखा हुआ है, वो रेड कलर का अनार है, बट आपने बता दिया बेटा ये रेड कलर का है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो है तो खाने की चीज़, मगर बच्चा इसके रेड कलर को देख करके इससे डर रहा है, ओके, बच्चा इसको देख करके डर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, ये स्कीमा कहलाता है। तो यहाँ पे पियाजे ने, बट अब पियाजे ने क्या कहा, क्षमताओं और योग्यताओं को जो नाम दिया, पियाजे ने क्या नाम दिया था, समायोजन नहीं है भाई, अहम केंद्र भाव भी नहीं है, आत्मसातकरण भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर स्कीमा होना चाहिए, ओके, सो करेक्ट आंसर जो है स्कीमा ही है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्कवरी लर्निंग, ओके, डिस्कवरी लर्निंग मतलब अन्वेषण विधि, ओके, ह्यूरिस्टिक मेथड, ओके, ह्यूरिस्टिक मेथड की खोज किसने की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, आर्मस्ट्रांग ने की या किलपैट्रिक, तो प्रोजेक्ट विधि के हैं, ओके, यस, तो देख लेंगे कौन है। टीचर प्लेज द रोल ऑफ लर्निंग, टीचर किसकी भूमिका निभाते हैं, सलाहकार की यानी काउंसलर की, फैसिलिटेटर की, समन्वयक की, मैनेजर की, या इंस्पायरर यानी कि प्रेरक की। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो होती है वो जांच पड़ताल विधि हुआ करती है, तो जांच पड़ताल विधि में टीचर को किसका काम करना पड़ता है, टीचर देखो भाई कहीं भी आ जाए टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, आज के टाइम में टीचर एक फैसिलिटेटर है, मतलब टीचर आपको
चम्मच में भर के खिलाएगा नहीं, वो केवल आपके पास चम्मच ले आएगा और आपके पास क्या ले आएगा, खाना ले आएगा। कैसे खाना है आप हम काम करो, समझ गए ना। मतलब टीचर आपके दिमाग आपके एक तरीके से सुविधाओं को उपलब्ध करवाएगा, और उनको उपलब्ध करा करके आप इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटर, टीचर एक समन्वयक है। ओके यस। अरे भाई स्पेशल एजुकेशन पक्का वेरी इंपॉर्टेंट भाई, स्पेशल एजुकेशन पर काम जरूर, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है भाई। विशेष शिक्षा का किसके लिए किया गया जुगाड़, किसके लिए विशेष शिक्षा लाई गई, देखते हैं। तो विशेष शिक्षा का क्या सवाल है ये, विशेष शिक्षा क्या कह रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स। अरे भाई विशेष शिक्षा में टीचर्स की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एजुकेशन फॉर टैलेंटेड पीपल, अरे काहे को भैया, टैलेंटेड पीपल होते तो विशेष शिक्षा की जरूरत ही क्या पड़ती। एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल, जी हाँ विकलांगों के लिए स्पेशल एजुकेशन जो है उसी क्लास में बैठ करके, विकलांगों के लिए, सॉरी मैं समावेशी शिक्षा की बात कर गया, उसी क्लास में बैठ करके। तो जो स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम, वो विकलांगों के लिए हैं, ना तो प्रतिभाशाली के लिए हैं, ना शिक्षकों के लिए हैं, ना प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हैं। ओके, प्रतिभाशाली बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं हम गिफ्टेड चिल्ड्रन, मगर स्पेशल एजुकेशन जो है वो विकलांगों के लिए है, और समावेशी शिक्षा जो है वो कमजोर बच्चे, होशियार बच्चे सबके लिए है। ओके तो ये हो गई एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटेलिजेंस, कौन सी इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द फास्टर डेवलपमेंट। ओके, कौन सी बुद्धि जो है सबसे तेज बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, फास्टर डेवलपमेंट, जो बहुत तेजी से जिसका डेवलपमेंट होता है। नो इंटेलिजेंस, कोई बुद्धि नहीं, मीडियम इंटेलिजेंस, मध्यम बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धि। ओके, अगला कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ओहो स्लोअर इंटेलिजेंस, तो मंद बुद्धि। ओके तो जो विकास तीव्रता से जुड़ी हुई है, तो जो हायर इंटेलिजेंस है वो बहुत तेजी से विकसित होती है, फास्टर डेवलपमेंट है ना, फास्टर डेवलपमेंट जो होता है वो हायर, उच्च। ओके तो उच्च बुद्धिमत्ता जो होती है उसका विकास सबसे तेजी से होता है, यस उच्च बुद्धिमत्ता। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। यस, हाउ डू लर्निंग थ्योरीज कैरेक्टराइज द रोल ऑफ पेरेंट इन देयर चाइल्ड डेवलपमेंट। अधिगम सिद्धांत में माता पिता की भूमिका क्या है उसके बच्चे के विकास में, बच्चे के जीवन में नहीं भैया, बच्चे के विकास में कौन की भूमिका, माता पिता की भूमिका आपको बताना है। पहला, प्रशिक्षक के रूप में, ट्रेनर के रूप में, माता पिता ट्रेनर कब हो गए भाई, होते हैं क्या, देखते हैं अगला ऑप्शन। टीचर्स के रूप में, नहीं टीचर का काम टीचर को करने दो भाई। भागीदारों के रूप में, नो कहीं से कहीं बच्चे के लिए भागीदार नहीं होते हैं, समर्थक नहीं होते हैं, मगर देखिए एज होम इज़ द फर्स्ट स्कूल, पहला विद्यालय जो घर होता है, तो पहले बच्चे को ट्रेन करने का काम जो होते हैं माता पिता करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशिक्षकों के रूप में। ओके, प्रशिक्षकों के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल सही, एज ट्रेनर। ओके, पहला विद्यालय जो होता है घर होता है। ओके चलिए अगला सवाल, साइकोमेट्रिक एनालिसिस से, साइकोमेट्रिक एनालिसिस ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समाजमिति विश्लेषण ऑफ अ ग्रुप इज यूज इन मेजरिंग पर्सनैलिटी एज एन मैथड, ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। तो जो साइकोमीटर एनालिसिस है वो किसी ग्रुप का किया जाता है, ऑफ अ ग्रुप। ओके, किसी ग्रुप का साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, मतलब समाजमिति विश्लेषण किया जाता है, और उस व्यक्तित्व को किस विधि के आधार पर नापा जाता है समाजमिति विश्लेषण से, मेजरिंग पर्सनालिटी एज एन ऑब्जर्वेशनल, है ना, मतलब तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, सब्जेक्टिव के आधार पे। तो जो साइकोमीटर टेस्ट होता है ना, साइकोमीटर टेस्ट पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव हुआ करता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैं आपको साइकोमीटर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं, इनका ग्रुप बना करके, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, कुछ ग्रुप बना करके, अब जैसे एक ही चीज़ें मान लीजिए, ये खाने में क्या पसंद करते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टैंड का ग्रुप है उसमें खाने में क्या पसंद करते हैं, दाल चावल पसंद करते हैं, राजमा पसंद करते हैं, मैगी पसंद करते हैं क्या, तो मान लीजिए ज़्यादातर लोग मैगी पसंद करते हैं, तो इनकी एक व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा मैच करता आएगा। तो ये विधि कहलाती है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें व्यक्तित्व विश्लेषण किया जाता है, समाजमिति, माफ कीजिएगा मैं व्यक्तित्व बोल गया हूँ, समाजमिति विश्लेषण किया जाता है। मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है पूरी तरीके से एक सोशल
एनवायरनमेंट को चेक करता है। आ गई भाई बुद्धि, आ गई बुद्धि। ओके चलो, अकॉर्डिंग टू विलियमसन, विलियमसन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्देशन परामर्श का लाभ है। ओके निर्देशन परामर्श का लाभ है, इसके अनुसार पर लाभ बताना है। एम्फेसिस ऑन द इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल रैदर देन द इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब भावनात्मक पहलू को छोड़ करके बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाता है विलियमसन के अनुसार। ठीक है, दूसरा मतलब विलियमसन के अनुसार डायरेक्टिव काउंसलिंग के फायदे आपको बताने हैं कि क्या फायदा है। दूसरा, कुशल और डज नॉट गाइड काउंसली टू बी एफिशिएंट एंड कॉन्फिडेंट, कुशल और अस्वस्थ होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता। मतलब कि ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता, मतलब ये कुछ करता ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, ये कुछ करता ही नहीं है। देन थर्ड, मेक काउंसलर डिपेंडेंट, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, मतलब ये परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना है। एंड जो है नेक्स्ट है, किल्स द इनिशिएटिव, पहल को दबाना है। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओके ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लग रहा है। तो इसका आंसर जो है भावनात्मक पहलू के आधार पर बौद्धिक जोर, तो इसमें काम की चीज़ ये लिखिए आप कि जो विलियमसन का जो मॉडल है इसका डायरेक्टिव काउंसलिंग का, ये किसकी किसके ऊपर बात करता है, ये बात करता है किस चीज़ पर, एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्चुअल, एम्फेसाइज ऑन इंटेलेक्चुअल, मतलब कि इमोशनल पन्ना होकर के बौद्धिक, है ना, बौद्धिक स्थिरता, बौद्धिक स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ पर ही काम करता है। चलिए लेट्स चेक द आंसर, बिल्कुल सही है, एम्फेसाइज ऑन द इंटेलेक्चुअल रेदर देन इमोशनल एस्पेक्ट, एग्जैक्टली गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ऑर्थोटिक, ऑर्थोटिक उपकरण, ऑर्थोटिक डिवाइस आर डिजाइन प्राइमरली टू, ओके भाई ऑर्थोटिक, यार आपने सुना होगा ऑर्थो, एक तेल आता है ना ऑर्थो, तो ऑर्थो का मतलब क्या है भाई, एक ऑर्थो तेल आता है तो आपको ऑर्थराइटिस आपने सुना होगा, मतलब ये पक्का कहीं ना कहीं अंगों से जुड़ी हुई बात है, तो नन ऑफ दीज में नहीं लगाऊंगा। शरीर के अंगर को समर्थन देने वाला, रिपेयर, शरीर के हिस्से की मरम्मत, भाई तेल लगाने से ऑर्थराइटिस वगैरह से मरम्मत तो नहीं होती है, ओके ना होने वाले अंगों की जगह, रिप्लेस अ मिसिंग बॉडी पार्ट, नो ये नहीं, सो आंसर शुड बी बी, सपोर्ट अ बॉडी पार्ट, किसी बॉडी के अंग को समर्थन देने वाला, तो ऑर्थो वर्ड जो है ये सपोर्ट करता है, तो बी आंसर होना चाहिए, सपोर्ट अ बॉडी पार्ट, एग्जैक्टली शरीर के अंगों को समर्थन देने वाला। चलिए नेक्स्ट, असेसमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज नोन एज असेसमेंट, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को कौन सा मूल्यांकन कहते हैं। देखिए परिणाम का आकलन यहाँ पे किया जा रहा है, छात्रों से संबंधित जो है परिणाम का मूल्यांकन जो है, छात्र द असेसमेंट रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज नोन, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय के आकलन को, अधिगम के परिणाम, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम के परिणाम के विषय के आकलन को, मतलब परिणाम आ चुका है, परिणाम आपके पास जो है वो आ चुका है, परिणाम जो है आपके पास वो आ चुका है, अधिगम का परिणाम आपके पास आ चुका है, एंड परिणाम के विषय के आकलन को क्या कहेंगे, ओके जब रिजल्ट आपके पास आ चुका होता है तो आप क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद आप डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं, तो इसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक, क्योंकि जब जैसे कि मान लीजिए आपने परीक्षा ली और परीक्षा करने के बाद बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब बच्चे का एक तरीके से क्या हो गया, चेक हो गया कि बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल है, मतलब बच्चे की कमजोरी डिटेक्ट हो गई, अब आप उसने आपने उसको डायग्नोस कर लिया है, अब आप उसके लिए क्या करोगे, अब आप उसके लिए रिमेडियल क्लासेस लगाओगे, तो बच्चे के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को बोलते हैं नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है ना, नैदानिक मूल्यांकन, एक मिनट, नैदानिक है और निदान है, दो है यहाँ पे, प्रोग्नोस्टिक आकलन को, छात्रों के अधिगम के परिणाम, असेसमेंट रिगार्डिंग द आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, असेसमेंट रिगार्डिंग द, तो डायग्नोस्टिक मतलब ठीक करने के लिए किया जाता है, ये क्या है नई चीज, प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक निदान,
रचनात्मक तो नहीं है, क्योंकि रचनात्मक जो होता है साल भर चलता है, बेंचमार्क जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, गोली मारो बेंचमार्क को। रचनात्मक असेसमेंट जो होता है फाइनल नहीं होता है, मतलब वो निदान करने के लिए नहीं होता, वो कभी भी लिया जा सकता है, रैंडम होता है। डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, एक निदान है और एक नैदानिक है, विषय में आकलन। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्रोग्नोस्टिक। ओके, तो इसको याद कर लीजिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, इसको रट लीजिए, आर फॉर रट्टा। ओके, तो ये प्रोग्नोस्टिक है, कुछ इसको पढ़िएगा, और नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। डायग्नोस्टिक नहीं होता है, डायग्नोस्टिक तो यार जब चीज़ें चेक हो जाती हैं उसके बाद, नैदानिक, नैदानिक बोला जाता है हिंदी में, कन्फ्यूज, नैदानिक। चलिए कम बैक, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल अंडर द स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मॉरेलिटी अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग। लियो भाई, मॉरेलिटी की बात हुई और कोहलबर्ग आ गए, नैतिकता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा अनुकूलन, अनुकूलन को ओरिएंटेशन बोलते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो कोहलबर्ग की जो पारंपरिक नैतिकता का सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा सपोर्ट कर रहा है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है? दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, ओरिएंटेशन टुवर्ड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, मॉरेलिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। ओके, एंड सहायक उद्देश्य एवं विनिमय, सहायक उद्देश्य, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज। यार ये तो ऑप्शन कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा है, है ना? तो ये तो कहीं से कहीं लग ही नहीं रहा है। अब बात आती है नैतिकता की, तो देखिए नैतिकता वर्ड कहाँ पे है, ओरिएंटेशन, अनुकूलन, दंड की और आज्ञा के प्रति अनुकूलन। देखिए यहाँ पर पनिशमेंट की बात हो रही है और पनिशमेंट से उतना कुछ लेना देना है नहीं इसका, नैतिकता का। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, मोरेलिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मोरेलिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस बच रहे हैं हमारे लिए, सोचो सोचो क्या होगा इसका। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, नहीं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के प्रति और अनुकूलन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जहाँ नैतिकता की बात होती है वहाँ दंड की बात क्यों होगी। सोशल कंसर्न एंड कंसाइंसनेस, सहानुभूति एवं सामाजिक सहानुभूति और विवेक, मोरेलिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसेस, सामाजिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और हमको पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत, पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल जो मोरेलिटी होती है, कन्वेंशनल मोरेलिटी, तो कन्वेंशनल मतलब जो मोरेलिटी चली आ रही है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से दो या तीन में से कोई एक होना चाहिए, ज़्यादा मैं आंसर नंबर थ्री को इम्पोज करूँगा कि मोरेलिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आंसर, आंसर है सोशल कंसर्न एवं एंड कंसाइसनेस, कंसाइंस मतलब सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक तरीके से ये याद करने वाला क्वेश्चन है, सामाजिक सहानुभूति, है ना, यस, एवं विवेक। तो यहाँ पे मोरेलिटी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हमको ये नहीं यूज़ करना है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण, वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। कौन सा एग्जाम्पल है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन का, बाह्य प्रेरणा का मोटिवेशन? भाई वेतन कोई किसी प्रकार की मोटिवेशन नहीं है, ओके, प्रमोशन किसी प्रकार का मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, ओके, बच क्या गया, जुनून और प्रशंसा। तो प्रेज एंड पैशन जो है वो, प्रशंसा करी जाए तो प्रशंसा से क्या मोटिवेशन मिलेगा, बट किसी चीज़ का जुनून है आपको तो वो आपको, बेशक जुनून होना अपने आप एक तरीके से मोटिवेट करता ही रहता है, भले आपको मोटिवेशन ना दिखे, बट प्रशंसा आपको क्या मोटिवेशन देगी कि नहीं देगी ये सोचिए। प्रशंसा कई बार मोटिवेशन देती है और कई बार क्या, मेरे समझ में तो प्रशंसा हर बार मोटिवेशन देती है, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में हो, प्रशंसा मोटिवेशन देती है, बट प्रशंसा और जुनून में बढ़ के कौन है, अब ये सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा
तगड़ा मोटिवेशन कौन सा है, जुनून वाला मोटिवेशन या प्रशंसा वाला मोटिवेशन? तो मुझे लग रहा है कि जुनून वाला मोटिवेशन प्रशंसा के मोटिवेशन पे हाई पड़ेगा, तो आंसर 3 होना चाहिए और है भी जुनून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, व्हेन द टीचर एंगेज इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, टीचर गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं, स्पेशल नीड मतलब विशेष बच्चे हैं यहाँ पर भाई, विशेष बच्चे हैं, तो इसमें कौन सा सही है? जब विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, स्पेशल नीड वाले बच्चों को मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो क्या कहता है? टीचर्स ओन प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट, टीचर अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, टीचर का शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है कि टीचर जो है बहुत अच्छा प्रोफेशनली ग्रोन किया है। टीचर कैन गेट रिवार्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रमोशन, शिक्षक को प्रोत्साहित मानता और पदोन्नति प्राप्त पा सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। थर्ड, अंडर द टीचर्स गाइडेंस स्टूडेंट विल फील सिक्योर एंड मोर एंगेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे अधिगम, छात्र अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है, शिक्षक के मात्रों में छात्रों को विशेष, अंडर द टीचर गाइडेंस स्टूडेंट गेट स्पेशल अटेंशन। अच्छा देखो, हमें बताना है कि सत्य कौन सी बात है, कि मतलब विद्यालयी शिक्षा के हिसाब से इसमें से बिल्कुल सही चीज क्या है। पहला, अगर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को परामर्श में व्यस्त रहते हैं, मार्गदर्शन और परामर्श, मतलब कोई कहीं पर टीचर्स हैं वो जो, जैसे जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, जैसे कि कुछ अलग ही उनकी डिमांड है, कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है दिमाग से, या किसी को कोई बीमारी है ना, मानसिक रोग है, उनको परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो इसमें से क्या सत्य है? वैसे तो सब सत्य लग रहे हैं कि शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, टीचर्स ओन प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट। यहाँ पर बट प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट, टीचर्स की खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ जो है एविडेंट है, ओन प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट। सेकेंड, टीचर कैन गेट रिवार्ड रिकॉग्नाइजेशन प्रमोशन, भाई ये तो बिल्कुल बकवास बात है, काय को प्रमोशन, कोई मतलब एक बात से आपने प्रमोशन दे दिया, हाँ हो सकता है, मगर इससे ये स्पष्टता नहीं है, बिल्कुल ये नहीं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित अधिक व्यस्त, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे हैं वो अच्छा महसूस करेंगे, व्यस्त रहते हैं तो व्यस्त महसूस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्या है? और है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होगा, अंडर द टीचर्स गाइडेंस स्टूडेंट गेट स्पेशल अटेंशन, हाँ ये बात भी सही है कि टीचर्स के गाइडेंस में उन्हें स्पेशल अटेंशन मिलेगा। अब देखिए, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 1 में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? टीचर्स ओन प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट, टीचर का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, हाँ व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनली टीचर तो ट्रेन है, सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ इज एविडेंट, साफ दिखाई दे रही है उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलिए, इसमें मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आंसर 3 या 4 में से कोई एक लग रहा है, कि 3 या 4 में से कोई एक लग रहा है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। अधिगम में सुरक्षित एंड व्यस्त महसूस करता है, इसमें केवल स्पेशल अटेंशन है, बट इसमें अधिगम की प्रक्रिया को सुरक्षित बना रहा है और अधिक व्यस्त कर रहा है, और व्यस्त यहाँ से सपोर्ट कर रहा है इसको, तो इसका आंसर 3 ज़्यादा मैं कहूँगा, 4 भी सही है बट 3। सो करेक्ट आंसर, अंडर द टीचर्स गाइडेंस स्टूडेंट विल फील सिक्योर एंड मोर इंगेज्ड, यस ये देखिए व्यस्त वाली जो बात थी ना, इसलिए इसका आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रेफर्स द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू एग्जिस्ट इवन दे कैन नॉट बी सेंस्ड, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, मतलब अमूर्त चीजों की बात की जाती है ना, देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है, तो कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट पर मीन्स वस्तु स्थायित्व, थ्योरी इन माइंड एंड जीववाद, है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल नाम से ही क्लियर है,
ऑब्जेक्ट पर मीन्स कुछ भी, कोई भी इसको पढ़ा भी नहीं होगा तो भी करके आ जाएगा, क्योंकि वस्तु के स्थायित्व की बात करी जा रही है। जैसे ऑब्जेक्ट पर मीन्स, भले ही वो आपके सामने मौजूद ना हो मगर वो चीज़ें होती हैं, ओके, भले उनको हम देख सकें या ना देख सकें, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट पर मीन्स, वस्तु स्थायित्व। बिल्कुल सही जवाब है। भाई एक सवाल है यहाँ, प्रत्न एवं त्रुटि मतलब ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत है, ओके। ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, तो ये थार्नडाइक का सिद्धांत है, याद कर लें, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का, जब प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसमें किस चीज़ के महत्व पर जोर दिया गया है? भाई प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ओके। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो भैया जब दंड ही देना था तो फिर काहे को प्रयत्न करवाया, तो दंड तो होएगा नहीं, दंड तो काट दो, बिल्कुल काट दो, पनिशमेंट तो है नहीं यहाँ पे। प्रशंसा, पुरस्कार, रिवार्ड, नहीं, प्रशंसा की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बात हो रही है प्रेरणा की, बच्चे को एक मोटिवेशन मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेरणा है, ओके। सो एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत से, है ना। चलिए अगला, पनिशमेंट एंड रिवार्ड आर द कंपोनेंट ऑफ, पनिशमेंट एंड रिवार्ड मतलब कि प्रोत्साहन और दंड किसके घटक है, किस प्रकार के सिद्धांत के घटक है ये, कौन सा सिद्धांत इनको जो है एंडोर्स, इनको प्रोत्साहित करता है ना, एंडोर्स नहीं, प्रोत्साहित, सपोर्ट करता है, किसके? व्यवहारवाद है, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि है, मानवतावाद है, या कनेक्टिविज्म, संयोजकतावाद सिद्धांत है। पनिशमेंट एंड रिवार्ड, ठीक है ना, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो जो पनिशमेंट एंड रिवार्ड है बच्चों, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहेवियरल में आता है, मतलब व्यवहारवाद के सिद्धांत में आता है, इससे व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार ये होता है, ओके। सो पनिशमेंट एंड रिवार्ड जो है व्यवहारवाद में आता है, याद रखिएगा, ना ये मानवतावाद में आता है, ना ये आपका डिज़ाइन अनुसंधान विधि है, ना ये संयोजकता है, ना ये समाजवाद है, ना ये कोई किसी प्रकार का मोटिवेशन है, ये केवल व्यवहारवाद का एक घटक है, ओके। व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म थ्योरी, यस बिल्कुल सही। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, डाइवर्जेंट, विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन एंड अनुशासनात्मक बल। तो भैया पहली चीज तो हम उनको काटेंगे जो पहले गलत है, बाल, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ईयर एंड असेसमेंट वाली बात बिल्कुल नहीं करता है, कि ईयर एंड अप्रेसल मूल्यांकन बिल्कुल लास्ट में कर लो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइल्ड जो होता है मूल्यांकन लास्ट के लिए तैयार नहीं होता है, ओके। अनुशासनात्मक बल बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, अनुशासन, डंडा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैखिक प्रदर्शन मतलब लीनियर बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर, तो ये मेरे को लग रहा है इसका करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग विविधताएं सबकी सामने आएंगी, सो डाइवर्जेंट एक्सपोजर बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ओसीडी डिनोट्स, चलो भाई तो याद होना चाहिए आपको ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ओबेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपोजिशनल कंप्लूसिव डिजीज एंड अपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। जो बच्चा रट के गया है वही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, ओके। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंप्लूसिव डिसऑर्डर, ओके। तो समझ में आ रहा है, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की बीमारी टाइप है ये, सो ऑब्सेसिव कंप्लूसिव डिसऑर्डर इसका आंसर होना चाहिए, ओबीएस, ऑब्सेसिव कंप्लूसिव डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेम सेक्स फ्रेंडशिप प्रिवेलिंग ड्यूरिंग, समान लिंगता मित्रता किसके दौरान प्रबलित होती है, सेम सेक्स से दोस्ती किस समय बढ़ती है, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था या मध्य बचपन, ठीक है ना। तो सेम सेक्स से दोस्ती किस में बनती है, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था और मध्य बचपन, तो क्या होगा, समान लिंग वालों से दोस्ती जो है कब बना करती है? देखिए मैं बचपन को तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बचपन में आई थिंक ऐसा कुछ होता नहीं है कि समान सेक्स से, तो बचपन के ऑप्शन तो काट दीजिए। अब आती है बात प्रारंभिक किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था, लेट एडोलसेंस एंड ईयरली, तो जब बच्चा एडोलसेंस होता है तो पहले वो अपने पीयर ग्रुप बनाता है, तो अगर लड़का है तो लड़के से जाके मिलेगा और लड़की है तो लड़की से जाके मिलेगी, ऐसा नहीं कि लड़के लड़की जा करके मिल जाएंगे, तो इसमें जो है
प्रारंभिक किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था में आंसर जो होना चाहिए, प्रारंभिक किशोरावस्था बिल्कुल सही भी है, प्रारंभिक किशोरावस्था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू एडजस्ट एनी सर्कमस्टांसिस, मतलब बच्चा जो है किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाता है, इसके लचीलेपन को क्या बोलते हैं। रिजिडिटी कभी नहीं भैया, लचीलेपन की बात कर रहा हूँ, रिजिडिटी दृढ़ता नो वे, कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, डेजिरेबिलिटी वांछनीयता, नहीं 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 बच्चे वांछनीयता नहीं बोल सकते इसको। इनेबिलिटी अक्षमता, ये भी नहीं है। सो प्लास्टिसिटी, हाँ ये ऑप्शन मेरे को एक समझ में आ रहा है। ढलनशीलता, बिकॉज ढलने की बात करी जा रही हो, फ्री के नंबर मिल गए भाई सबको लूट लो। ओके, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है समायोजित होना, मतलब किसी चीज़ में ढल जाना, सो ये प्लास्टिसिटी भी कहलाएगा, ढलने की क्षमता, ढलनशीलता। चलिए, प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान करने में आईक्यू कितना होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होता है। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू 130 से ज़्यादा होता है। ओके, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू जो होता है वो 130 से ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट आईक्यू वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये होता है आईक्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको निकाला जाता है आईक्यू, और प्रतिभाशाली बच्चों का 30 से ज़्यादा होता है। आईक्यू की लिस्ट याद कर लीजिएगा। चलिए ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग। व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज लर्नड थ्रू प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। अनकंडीशनाइज्ड रिस्पॉन्स, अच्छा क्लासिकल की बात हो रही है, कंडीशनल की बात हो रही है, और अनकंडीशनाइज्ड, नो बिल्कुल नहीं। रेनफोर्स्ड रिस्पॉन्स, प्रबलित प्रतिक्रिया, नो। कंडीशनाइज रिस्पॉन्स, जी हाँ, वातानुकूलित नहीं होगा यार ये, अनुकूलित, वातानुकूलित कर दिया है, एयर कंडीशन थोड़ा ना लग गया है यहाँ पे, तो कंडीशनलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा। ओके, मतलब कि अनुकूलित प्रतिक्रिया जो होती है, कंडीशन जैसा देश वैसा भेस वाली बात होती है, कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। तो अगर किसी चीज़ की कंडीशन डेवलप करके रिस्पॉन्स का अध्ययन किया जाए तो वो रहती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास को अध्ययन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो दो बच्चे हैं, उनकी वृद्धि और विकास को अध्ययन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सी है, तुलनात्मक विधि है, विकासात्मक विधि है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, साइको एनालिटिक टेस्ट, चार विधि दी गई हैं। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंपरेटिव मेथड। भाई वृद्धि और विकास सबकी अलग अलग रेट से होती है, तो कंपरेटिव मेथड के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबकी वृद्धि और विकास का क्रम अलग अलग होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक मेथड, तीन में मुझे डाउट है क्या होना चाहिए, विकासात्मक विधि, स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय विधि, और मनोविश्लेषणात्मक क्या होगी भैया, विकास सांख्यिकीय मनोविश्लेषणात्मक, यार बात वृद्धि और विकास की बात कर रहे हो और मनोविश्लेषणात्मक है ना, साइको एनालिटिक टेस्ट की बात करी जा रही है, तो तुलनात्मक तो नहीं है। बाकी के तीन में से सोचिए क्या हो सकता है, संख्यात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक। सांख्यिकीय विधि तो गणितीय विधि एक तरीके से हो गई, क्या उसका डेटा कुछ काम में आएगा। चलिए, मुझे नहीं बन रहा इसका सवाल का जवाब क्या होगा, आंसर देखना पड़ेगा। आंसर है इसका डेवलपमेंटल मेथड, यानी कि विकासात्मक विधि। कॉपी में लिख लीजिए कि वृद्धि और विकास को अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है विकासात्मक विधि। चलिए भाई, पावलाव का कुत्ता याद आ गया मुझे, पावलाव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर, ठीक है ना। और कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत याद रखिएगा, ये आते हैं। हायरार्की, पदानुक्रम, इज हायरार्की ऑफ नीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव, हायरार्की ऑफ नीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, वॉज प्रोनाउंस्ड बाई, प्रोपाउंडेड बाई, भाई प्रोपाउंडेड मतलब प्रतिपादित किया, हायरार्की ऑफ नीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव, मतलब आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मतलब पहले ये जरूरत है, फिर ये जरूरत है, फिर ये जरूरत है, फिर ये जरूरत है, ये प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिपेक्ष्य है, ठीक ना। ये किसके द्वारा परिपादित किया गया, मास्लो के द्वारा, पियाजे के द्वारा, पावलाव के द्वारा या फ्रायड के द्वारा। ओके, पदानुक्रम थ्योरी मोटिवेशन अभिप्रेरणा के लिए
प्रेरणा के लिए पदानुक्रम, मतलब प्रेरणा में पदानुक्रम की जरूरत होती है। पहले 9th पास हो गए, फिर 10th, फिर 11th, 12th, फिर इंजीनियरिंग फलाना, ये मतलब एक तरीके से मान सकते हो कि जो हायरार्की है, चीज़ों की हायरार्की, जरूरतों की पदानुक्रम जो है, एक वो काम करती है, एक प्रेरणा में बहुत महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। इसके बारे में किसने बताया है, बताओ बताओ बताओ? तो पियाजे, पावला, फ्रायड, तो देखिए अब यदि मैं बात करूं तो मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा इसका आंसर, यदि ऐसा लग रहा है। फ्रायड बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं, फ्रायड ने कुछ बताया, पावलाव का कुछ और सिद्धांत है, पियाजे जो है वो बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। तो मैं एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे तुक्का ही मारूंगा, बाद में आंसर चेक करूंगा। तो मुझे तुक्के के हिसाब से सिगमंड फ्रायड और मास्लो दो में से एक लग रहे हैं, मगर मैं जाऊंगा मास्लो के साथ आंसर देखा जाए। तो देखते हैं कि आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज मास्लो। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हेल्प अस टू वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? ओके, जानकारी को मान्य करने में मदद करती है, जानकारी को मान्य करने में कौन सी क्रियाविधि जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? वेल इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी विधि, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या संज्ञान, कौन सी कार्यविधि, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हेल्प अस टू वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हेल्प अस टू वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। बच्चों मुझे इसका आंसर नहीं पता है, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। तो कौन सी क्रियाविधि है जो हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? देखिए ये तो जानकारी को मान्य करना जो है, ये तो दो प्रकार हो गए चिंतन के, ये तो हो नहीं सकते, बस ये है। तो आंसर या तो कॉग्निशन होगा या मूल्यांकन होगा। तो कौन सी क्रियाविधि, अब कॉग्निशन क्या है, किसी चीज़ को, हाँ एक तरीके से वैलिड ही है, कॉग्निशन भी कोई जानकारी है उसको मान्य कर देता है, मतलब अपने संज्ञान में ले लेता है। चलिए देखना पड़ेगा आंसर। तो यस आंसर है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन जो होता है वो जानकारी को मान्य करता है, सही बात है भाई। चलिए अगला, अमंग द फॉलोइंग म्यूचुअल सपोर्ट इज फाउंड मोर इन, अमंग द फॉलोइंग म्यूचुअल सपोर्ट, आपसी पारस्परिक सहयोग इनमें पाया जाता है भाई, समूह में, टीम में, सोसाइटी में, कक्षा गृह में। ओके, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल सपोर्ट कहाँ पर पाया जाता है? ओके, सम ग्रुप में, समूह में, टीम में, सोसाइटी में, कक्षा गृह में। अरे बाप रे, तो एकदम चाइनीज टाइप ऑप्शन हो गए, चार के चारों एक ही जैसे दिख रहे हैं। म्यूचुअल सपोर्ट, आपसी सपोर्ट किस में पाया जाता है? तो म्यूचुअल सपोर्ट ही तो मुझे लग रहा है कि ग्रुप्स में भी म्यूचुअल सपोर्ट होता है, टीम्स में भी म्यूचुअल सपोर्ट होता है, सोसाइटी में म्यूचुअल सपोर्ट कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, एंड कक्षा गृह में। बट सबसे ज़्यादा कहते हैं वर्क एज अ टीम, एक टीम के जैसे काम करूँ, तो जिस चीज़ में म्यूचुअल सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है उसको टीम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन व्याकरण का ज़्यादा लग रहा है मुझे, इंग्लिश ग्रामर का, तो इसका आंसर टीम होना चाहिए। देखते हैं क्या सही है, करेक्ट आंसर है टीम। तो कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 30 प्रश्न हो गए हमारे। ओके दोस्तों, तो 30 बेहतरीन प्रश्न हो गए हैं, बहुत सारा। अब क्या मिला होगा इससे, ज्ञान तो नहीं मिला होगा, मगर ज्ञान मिला होगा, थोड़ा सा मिला होगा, मगर संज्ञान बहुत ज़्यादा मिला होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा इससे बनता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया। तो इससे आप जो है इस तरीके से आप इस चीज़ को करिए, और हम अगली क्लास में फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे इसको करके। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।